वैसे आपको बता दें कि सिद्धार्थ के निधन को 22 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं और हर कोई शहनाज की हालत पूछ रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि शहनाज अब कैसी हैं। आपको बता दें कि इस बारे में देवोलीना ने बात की है। देवोलीना बिग बॉस 13 में नज़र आई थी सिद्धार्थ के साथ और दोनों की भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखी गई थी। तो अब देवोलीना सामने आई हैं इंटरव्यू में। उन्होंने चाह सिद्धार्थ के परिवार के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि सिद्धार्थ की माँ रीटा शुक्ला बहुत हिम्मत वाली हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को संभाला है, लेकिन शहनाज को थोड़ा और समय लगेगा। उन्होंने ये भी बताया कि सिद्धार्थ के सपने थे शहनाज को लेकर, बहुत सारे सपने उसने देखे थे। वो चाहता था कि शहनाज बहुत अच्छा करे, अपने जीवन में बहुत आगे जाए, ये सिद्धार्थ का सपना था। और सिद्धार्थ शहनाज के लिए हमेशा ही अच्छा सोचते थे, अपने लिए ना सही, लेकिन शहनाज कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के लिए वापस ज़रूर आएंगी। शहनाज को थोड़ा और समय लगने वाला है क्योंकि ये शहनाज के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है हम कहेंगे। जी हाँ, तो देवोलीना ही नहीं, ये सारी बातें कही है कि ये शहनाज के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और हम चाहते हैं कि शहनाज इस गम से उभरे और वापस आए, क्योंकि सिद्धार्थ ये चाहता था। सिद्धार्थ ये चाहता था कि शहनाज अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें और काफ़ी कुछ करें, ये सिद्धार्थ का सपना था। और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ का सपना शहनाज ही पूरा कर सकती है और शहनाज सिद्धार्थ के सपने को पूरा करने के लिए सामने ज़रूर आएंगी। भले उन्हें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो आएंगी ज़रूर। जी हाँ, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।